जिले अनंतनाग के लुहर सिंजी गड़ोल कोकरनाग सड़क पर आज मोहकमे आरएनबी की जानिब से मैगडम बिछाने का काम अमल में लाया गया, जिससे मकामी आबादी के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिल रही थी। लुहर सिंजी के लोगों का ये काफी देरी ना मुतालबा था, ताहम आज इस सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया। लोगों ने इस हवाले से आरएनबी डिवीजन वॉयलो का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। करना चाहता हूँ कि यहाँ आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आपने मतलब पब्लिक के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो गढ़वाल लोहर रोड वाया सिंजी जो है, ये पिछले मतलब लॉन्ग पेरिंग डिमांड थी लोगों की। तो ये जो पिछले दो साल से इसका ऑपरेशन चल रहा था, आज इस साल ये मतलब इसमें हमें खाली अब दो चार दिन लगेंगे, तो चार दिन में इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैग्नेटाइजेशन चालू है, हमने इसमें 2.5 किलोमीटर का लगन है टोटल, तो हमने पहले इसमें 1.2 किलोमीटर आगे कवर किया है। अब लास्ट जो फर्स्ट किलोमीटर है वो अभी चल रहा है प्रोग्रेस। तो सर अगर देखा जाए तो और भी रोड यहाँ पर है जिनको अभी तक मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, तो उसके उनके लिए मतलब आपकी जानिब से आरएनबी की जानिब से कोई सर्कुलर निकला है कि उन पर भी मैग्नेटाइज बिछाया जाएगा? जो ये वायलो एहन गढ़ोल एरिया जैसा है, इसमें हमारा एक मेन रोड है वायलो एहन गढ़ोल रोड, जो मेन रोड है उसमें कुछ पैचेस डेवलप हुए हैं, जो कि हमने पिछले साल भी उनमें उसमें पैचिंग रेस्टोरेशन करी थी। इस साल भी हमने उसमें प्लान दिया है आगे, मतलब उसमें कुछ पैचेस जो है कि वो हाईवे में जा रहे हैं, हाईवे के मतलब जो इसमें अप्रोच है ना वायलोस पूरा टनल, उसमें कुछ पैचेस जा रहे हैं। उससे बगैर जो उसमें जितना बचता है हमने उसमें दिया है आड़ी दूसरे प्लान में यूटी सेक्टर में अपग्रेडेशन के लिए। तो जो ही उधर से प्लान अप्रूव होकर आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी। तो साफ शफाफ तरीके से हो रहा है, जो भी हमें स्पेसिफिकेशन है अलाटमेंट के हिसाब से या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस हिसाब से हो रहा है। तो लोग इसमें मुतमईन है, लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।